हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और हम मेरी आज की ट्रिप जा रही है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए मम्मी मम्मी जा रही हैं, मम्मी और मेरा गैंग जो बाकी है हम लोग निकल रहे हैं। बस अभी सुबह के 7 बजे हैं, बस हम लोग निकल रहे हैं। सब रेडी हो चुका है, थोड़ा सा चाय नाश्ता करके बस हम लोग सीधा उत्तराखंड के लिए निकल रहे हैं। चलो थोड़ा सा इधर भी दिखा देता हूँ कि उत्तराखंड जा रहे हैं। माइकी जा रही तो बहुत खुश हो रही है। मैके जा रही कुछ नहीं, बाबा कह रहा हूँ मैके जा रही कुछ है। और आज मैके भी घुमाएंगे आपको। मैके जाएंगे, नारंग मत गुरुद्वारे जाएंगे, एक गुरुद्वारे और जाएंगे, डैम घूमेंगे, है ना, सब जगह घूमेंगे। और जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ ऊपर वाला, जहाँ जहाँ ऊपर वाला लेके जाएगा वहाँ सब जगह जाएंगे। बोलिए, हेलो कर दो आपको। कहाँ है? उधर आर्म लेकर खड़ी, उधर एक भेजो। हाँ गुरी, किधर? वो कर से पर्दे के पीछे छुपी है। हेलो गुरी, बढ़िया है। हेलो हाय, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कौन करेगा? इधर गुरी, कोरोना की रिपोर्ट वगैरह पूरी तैयार करके, पूरी पास बनवा के हम लोग प्रॉपर यहाँ से पूरी, जैसे बॉर्डर पर जंग के लिए जाते हैं सारी तैयारी के साथ, तो उस तैयारी के साथ जा रहे हैं। गुरी मैं सही लग रहा हूँ बेटा? अब सही नहीं लग रही, आपके गिल्ले हेयर है, थोड़ा कॉल कर दो फिर वीडियो बना। अब ठीक है? अभी नहीं, अब यह देख के कहो ना सही है। देखो ठीक लग रहा हूँ, अब ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ तो गाइस निकल रहे हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी आप लोग को अपडेट देते रहूँगा। और डैड जी, मैं, मम्मी जी, बहन भी जा रही है, बहन घर भी है, हम चार लोग जा रहे हैं, गोरिक ला के 5। और जल्दी जल्दी करो भाई, देर कर रहा हूँ निकलने में। आप लेके? हाँ, उसमें बॉटल जानी है ना, ये बॉटल अलग से ऐसी उसमें ऐसी रखी जाएगी गाड़ी में। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो। लो मम्मी जी ने बिन कहे हाय कर दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी, चलो भाई, देर कितनी देर कर रही हो? बस हो गया, जाना हूँ। चलो पूरी आ जा बेटा, ब्रेक चलिए। चलो अपना बैग तो ले लो, बोतल ले लो। हां बेटा ले लिया। मोबाइल रख लेना अपना, फोन ही रखा है। फोन भी रख लो। इसको तो करने निकल रहे हैं गाड़ी में, सारी सारी सेना सवार। गुरुग्वी गुरुग्वी, हेलो कर दो। हेलो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नानी के घर पर। नानी के घर पर, ठीक है, अब निकल रहे हैं। चलिए गाड़ी चलाना शुरू करता हूँ और बाकी कमांड आप लोग की परजाई संभालेंगे ये लोग। हे गाइस, आज हम चले मैके उत्तराखंड। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी, वो डैडी जी आ रहे हैं। खड़े हो जा गुरिक, बैठ डैडी, बैठ गोदी में बैठ जाना। अभी बैठेगी मैडम, गुरिक साथ में बैठा है आगे। सात साढ़े सात बजे हम लोग निकल रहे हैं, अब देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। सीट पीछे हो गई है ये, कर देना। अच्छा, आपको मैं अपने मैके घुमाती हूँ और देखते हैं। हम लोग नानक मते भी जाएंगे, गुरुद्वारे घुमाएंगे आपको, जो नानक मते बहुत से लोग हैं जो नहीं गए हैं। तो आज देखिएगा आप, गुरुद्वारा बहुत प्यारा बना हुआ है, सरोवर वगैरह, डैम सब कुछ है वहाँ पे, आपको घुमाएंगे। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मौसम, हाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश भी आ सकती है। हाय हाय, कितनी ठंडी हवा आ रही है। Hey guys, हमारी एंट्री हो चुकी है उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड में। तो अभी हमें यहाँ पुलिस वाले हैं यहाँ पे, तो वही है ना कि कोविड रिपोर्ट मांगेंगे आपसे कि आपने चेक वगैरह करवाया है, नहीं करवाया है कोरोना टेस्ट का, वो रिपोर्ट हमारे पास है हम लोगों की, और कागज़ वगैरह गाड़ी के चेक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, अभी तो रुके हैं, और पहुंच के फिर नानक मते पहले जाएंगे, नानक मते से फिर आपको दिखाएंगे, वहाँ घुमाएंगे। हाँ जी बेटा, थक गए हो? बुरी कह रहा है मैं बैठे बैठे खड़ा करते, खिड़की खोल के खड़ा होगा तो बेटा ऐसे ही खड़े हो जाओ,
बैठ बैठ के बोर हो गया बेचारा। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। तो उत्तराखंड में ऐसे एंट्री नहीं है यार, जैसे अगर आपके कागज वगैरह ना हो, रिपोर्ट या ना हो, कोविड रिपोर्ट आपके पास ना हो, तो आपको रोक ले रहे हैं। मगर यहाँ तो टेंशन ही नहीं है क्योंकि हम रिपोर्ट वगैरह सब लेके आए, कागज भी हैं। हेलो, हाय मेरा बच्चा, है कुछ बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा तो यार ये भी ना हाँ बेटा हाँ, तो देखती हूँ मैं अभी आते हैं ये, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। देखिए गाइस ये खड़े हुए हैं वहाँ पे, हाँ गाइस तो उत्तर जैसे भेड़ी क्रॉस किया उत्तराखंड बॉर्डर पे रोक लिया हमें, और वो तो मैंने कल सारी चेकअप वगैरह करा लिए थे तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि कल एंटीजन हम लोगों ने सारे परिवार ने करवा दिया था मैंने, और वैक्सीन भी लगी हुई है और हमने पास भी बनवा लिया था तो हमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से हमने बेफिक्र चेकअप कराया, मतलब यहाँ पे कागज दिखाए और बेफिक्र को निकल रहे हैं एकदम हैप्पी जर्नी और निकल रहे हैं नाना माता की ओर। सो गाइस इन लोगों ने बस फॉर्मेलिटी अपनी पूरी वो लोग कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ जी बेटा पीछे क्यों बैठना है नानू, बहुत बहुत तेज है, बहुत तेज करी कैसी गाड़ी है, उधर लगानी है तुमने पुलिस वाले तो अपनी कर रहे हैं। और गाइस ये देखो नजारे यहाँ के, नानू बेटा सही से बैठो, मेरा बच्चा बोर हो रहा है। हाँ बेटा थके हो, बस यहाँ से निकलते हैं, यहाँ तो हरियाली ही हरियाली। हाँ जी पूरा कैंप लगा हुआ है पीछे, पूरा कैंप लगा हुआ, पूरी पूरी फोर्स खड़ी हुई है, फोर्स खड़ी हुई है भैया उत्तराखंड। अब ये है भाई जो भी है अपना कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास और कागज वगैरह पूरे प्रॉपर होनी चाहिए, तब तो आप बाहर निकले घूमने के लिए। उत्तराखंड वैसे कहीं भी आ जाओ, कहीं भी निकल जाओ ना, हाँ कहीं भी निकल जाओ, लेकिन सकता ही लेकिन अभी पहाड़ों पे और सकता ही है, पहाड़ों पे और सकता ही है। हम तो फ्लैट ही जा रहे हैं फिर भी इतनी सकता ही हो रही है। और ये देखो मेरा बच्चा नजारे ले रहा है, क्या कहते हैं ना, पता क्या कह रही, हाँ जी कह रही, कह रही जो लेडीज लेडीज ने बोली सुनी, अच्छा हाँ जो कह रही, पता क्या कह रही, मुझे कह रही वो तुमने कब कब चेक कराया, मैंने कल चेक कराया। अच्छा। बोली कैसे चेक करा, मैंने कि एक नाक में डंडी डाली और एक मुंह में डाली, करीब वही डंडी मुंह में डाल दी, मैंने कि यार एक दो डंडी होती है, एक हाँ। एक, एक, एक डाल के लिफाफे में रखी दूसरी डाल के, हाँ वो चेक कर रही थी, पागल समझ रही थी। लेकिन तुम्हारा भाई भी बाटे का है, अभी तो पुलवट्टा भी रोकेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नानक मत्ता साहब गुरुद्वारा साहब, हाँ, बारिश बहुत आ रही है, बहुत बारिश हो रही है बाहर, आप शीशे पे देख लो तो पानी वानी सब लगा हुआ दिख रहा है। डैडी मम्मी बाहर जा चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं, मम्मी डैडी जी लोग मत्था टेकने के लिए निकले, नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा गुरुद्वारा साहब अंदर का, गुरुद्वारा साहब दर्शन कर लो, यूपी उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है नानक मत्ता साहब, सरोवर वगैरह इतनी बढ़िया इतना अच्छा लगता है। उसके बाद अब हम लोग गाड़ी से निकल रहे हैं, दिवाली के साइड बहुत अच्छा, बहुत भारी मेला लगता है, बहुत कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, बहुत बहुत लोग, ये नहीं कि सरदार सरदार के अलावा हिंदू, हाँ ये नहीं कि आप ये बोले कि सरदारों के लिए, यहाँ तो वैसे ही कोई भेदभाव कुछ नहीं, कुछ नहीं है, हर जाति का बंदा, और आप 24 घंटे में कभी आओ आपको रूम भी मिलेगा कम पैसे में, और लंगर 24 घंटे चलता है, सिर्फ रात को 11:30 से बंद होता है, हाँ। और उसके बाद सिर्फ 2 बजे तक रात को बंद होता है, यहाँ बंदा कोई भूखा नहीं रह सकता, जो हाँ। आएगा खुश होके, हाँ। दिल मतलब हाँ। दिल इतना अच्छा लगता है, खुशी इतनी होती है यहाँ आके। सो गाइस हम लोगों का अब मैं बोलना यही चाहूंगी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा नानक मत्ता का साहब, जो अंदर से हम लोग आपको पूरा अंदर से दिखाएंगे, अंदर से अंदर बिल्कुल दरबार साहब के, देखिए अंदर की शूट करने का ऑर्डर नहीं होता है क्योंकि मना होता है वहाँ पे, लेकिन हम लोग दूर से थोड़ा आपको दिखा देंगे, हाँ कोशिश करते हैं, अगर कोई कुछ दिखेगा तो हम लोग बना लेंगे ब्लॉग, वरना बाहर से तो पूरा प्रॉपर दिखाएंगे। आज तो बिना कहे हेलो हो रही है, चलिए चलो चलेगा, चलो बाय।